भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का बीते दिनों शोएब मलिक से तलाक हो गया था। शोएब मलिक ने सानिया को तलाक देकर एक्ट्रेस सना जावेद से निकाह भी रचा लिया था। इस खबर से भारतीय फैंस को तगड़ा झटका लगा। वहीं कुछ समय से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि सानिया मिर्जा भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी के साथ शादी करने वाली हैं। जी हाँ, बता दें कि मोहम्मद शमी भी तलाकशुदा हैं। ऐसे में इन खबरों के सामने आने के बाद लोग भी सदमे में पड़ गए कि क्या सचमुच सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी एक दूसरे से शादी रचाएंगे। हालांकि इन खबरों पर अब सानिया के पिता इमरान मिर्जा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने NDTV को दिए गए इंटरव्यू में इन अटकलों को केवल अफवाह बताया और कहा ये बातें बिल्कुल बकवास हैं और वे शमी से आज तक मिली भी नहीं है। बता दें कि सानिया मिर्जा के पिता से पहले खुद मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह ये सुनी है कि वे और सानिया मिर्जा शादी करने वाले हैं। हालांकि इस मामले पर सानिया के पिता के रिएक्शन को देख अब ये साफ तो हो गया है कि सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी की शादी की खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। बता दें कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने करीब 5 महीने पहले अलग होने की घोषणा की थी। इसके अलावा सानिया ने इंटरनेशनल टेनिस से भी संन्यास ले लिया है। फिलहाल सानिया ईश्वर से अपना मन लगा रही हैं। हाल ही में वह हज यात्रा के लिए निकली थी। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की थी। सानिया मिर्जा ने अपने पोस्ट में लिखा था, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक नए अनुभव की तैयारी कर रही हूँ। मैं आप सभी से अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मेरा दिल इस समय काफ़ी इमोशनल है और बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वैसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।